वेलकम टू एक्सिट। आज की इसमें हम जानने वाले हैं कैसे आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट को जो कि फेसबुक की तरफ से बैन हो चुके हैं उन्हें अनबैन कैसे कर सकते हैं। तो ये ट्रिक मैंने एक हैकर दोस्त से ली है जो कि अपने भी अकाउंट्स को जो कि फेसबुक की तरफ से बैन हो जाते हैं उसे अनबैन करवाता है। ये ट्रिक 100% वर्किंग है और रिसेंट 2 डेज में मेरे पास 50 से ज्यादा दोस्तों के मैसेजेस आ चुके हैं जिनके अकाउंट्स फेसबुक ने बैन कर दिए हैं। मुझे नहीं मालूम वो किस वजह से हो रहा है। हो सकता है कि आप लोग कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो जो कि फेसबुक पर अलाउ ना हो, तो इस चीज से ग्रेस करना, बाकी कोई मसला नहीं है, आपका जो अकाउंट है वो अनबैन हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक को फॉलो करके। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को अपने फोन में फेसबुक को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं ओपन करके आपको दिखा भी दूँ कि मेरा ये वाला जो अकाउंट है वो बैन हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर इसे लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद यहाँ पर ये बता रहा है योर अकाउंट हैज बीन लॉग, मतलब अकाउंट जो है वो परमानेंटली अब हो चुका है, वो बैन हो चुका है। और अब इसे अगर मुझे रीएक्टिव करना है तो मुझे अपने आईडी कार्ड का प्रूफ देना होगा, वो भी शायद है कि वो इसे अनबैन कर दे। लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में जो ट्रिक है उसे फॉलो करके आपका 100% जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके लिए आपको दोबारा से मैसेंजर में जाना है। मैसेंजर में जाने के बाद आप लोगों को वहां पर इसी वाले अकाउंट को दोबारा से वहां पर लॉगिन करना है, जैसा कि यहां पर मैं भी कर रहा हूं। यहां पर मैंने उसकी लॉगिन डिटेल लगाई और यहां पर जो मेरा अकाउंट था वो यहां पर एक्टिव हो चुका है। मतलब मैसेंजर में जितने भी मेरे मैसेजेस किए थे वो मेरे पास अब यहां पर मौजूद है और यहां पर मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिव भी है। अकाउंट ओपन होने के बाद यहां पर आप लोगों को लेफ्ट साइड पे 3 लाइंस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर सेटिंग में आ जाना है। आने के बाद यहां पर स्क्रॉल डाउन करके लास्ट पे आ जाना है। उसके बाद यहां पर आप लोगों को क्लिक करना है अकाउंट्स पर। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना फोन नंबर एड करना है। अब फोन नंबर कोई सा भी हो सकता है आपका, वट एवर जो भी है आपका। यहाँ पर अपना फोन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपके उसी नंबर पर जो कि आपने नंबर यहाँ पर डायल किया था उस पर एक वेरिफिकेशन 6 डिजिट का कोड आएगा जो कि आप लोगों को यहाँ पर लगाना है। लगाने के बाद यहाँ पर सेव करना है और सेव करने के बाद आपके अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑन हो जाएगा। अब दोबारा से फेसबुक पर आने के बाद आप लोगों को जहाँ पर अपना आईडी कार्ड अपलोड करने का शो हो रहा था वहाँ पर आप लोगों को कुछ और शो होगा। यहाँ पर हाउ टू अनलॉग योर अकाउंट नेक्स्ट पर क्लिक करना और उसके बाद आपको यहाँ पर ये कहेगा गेट अ कोड ऑन योर फोन। तो गेट कोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने उसी नंबर पर एक कोड सेव होगा जो कि आप लोगों को यहाँ पर डायल करके कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इसे रिफ्रेश करना है 1-2 बार और उसके बाद यहाँ पर सेव योर लॉगिन डिटेल। और अब ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आपके अकाउंट के फेसबुक अकाउंट के साथ ईमेल लॉगिन थी तो आप लोगों ने यहाँ पर उससे रिमूव करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करने वाला हूँ डोंट रिमूव एनीथिंग पर और उसके बाद 2-3 नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को ये जो पेज है वो शो हो जाएगा दैट यू हैव अनलॉक्ड योर अकाउंट ऑन योर फेसबुक। यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आके रिसेंट टैब्स में से अपनी फेसबुक को निकाल देना है। निकालने के बाद आप लोगों को दोबारा से उसी फेसबुक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो आपका अकाउंट है वो एक्टिव हो चुका होगा। पीछे वीडियो में आप लोगों ने जो भी प्रोसीजर देखा है वो मैंने अपने एक दोस्त से सीखा था, उसी से वीडियो बनवा कर मैंने आपको दिखा दी। मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर वो मेथड वर्क ना करे। मैंने अभी ट्राई किया है, अभी के लिए वर्किंग है, मैंने आपको दिखा भी दिया है, लेकिन हो सकता है फेसबुक के अपडेट्स की वजह से वो मेथड इन फ्यूचर वर्क ना करे। तो उसके लिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल बी मीट इन द नेक्स्ट।